स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर एस फाइनल डेस्टिनेशन में। हमने परीक्षा को देखते हुए कुछ अपने जो हम क्लासें दे रहे हैं उसमें थोड़ा बदलाव किया है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम हिंदी, रीजनिंग, मैथ और साइंस की क्लासों को पूरा करा दिया जाए। उसके बाद जो बचेंगी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसकी क्लासों को कराया जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं हिंदी से, रीजनिंग से, मैथ से और साइंस से किए जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जो सिलेबस है इसको पूरा कराना। तो अब हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम तत्सम और तद्भव के बारे में। परीक्षा में सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, किसी भी परीक्षा में चाहे समीक्षा अधिकारी में इनकी संख्या 10, कम से कम 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और जो लोअर की परीक्षाएं होती हैं इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हमने इस क्लास में सिर्फ तद्भव लेने की कोशिश की है। तद्भव को हम समझाएंगे इसका तत्सम क्या होता है। अगर हम दोनों को लेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसलिए हम तद्भव को लेते हैं और तत्सम को हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी हमारा यह है कि तद्भव होता क्या, तत्सम क्या होता है। तद्भव क्या होता है, जो शब्द संस्कृत भाषा से अपने अन्य बदले हुए रूप में हिंदी में आते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, क्योंकि जब संस्कृत से सीधा ही पाली में आते हैं, पाली के बाद प्राकृत भाषा में, फिर अपभ्रंश, इनसे गुजरने के बाद हिंदी भाषा में आते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो अपने बदले हुए रूप से आते हैं हिंदी में, तद्भव कहलाते हैं। तत्सम का मतलब तत् मतलब सम, उसके समान, जो संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं तत्सम। तो देखते हैं कुछ मुख्य मुख्य जो तद्भव है जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे कि सियार। सियार को हम अगर ये सियार के सब तद्भव लिखे हुए हैं, इनका हम तत्सम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसी साइड से देखते हैं, कोई भी देख लेते हैं। पंख, पंख का जो तत्सम होता है वो होता है पक्ष, पीठ का होता है पृष्ठ, लाज का होता है लज्जा, सीधा सीधा हम याद करते हैं निडर का होता है निर्दर, पक्षी का होता है पंक्षी, हरिद्र, हल्दी का सबसे ज्यादा हल्दी का पूछा जाता है जो कि होता है हरिद्रा, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। कंधा का होता है स्कंद, जो कंधा होता है उसको हम स्कंद बोलते हैं तत्सम में, कबूतर को हम कपोत बोलते हैं। इसके बाद रीस, रीस का थोड़ा अलग होता है, रीस का होता है जो तत्सम होता है वो होता है ईर्ष्या, और कपूर का होता है कपूर, इस पे एक मात्रा लगी होती है ये हो जाए कपूर। कोयल का होता है कोकिला, अटारी का होता है अट्टालिका। इसके बाद आता है भवरा, भवरा को हम तत्सम में लिखते हैं भरमर, अमावस का अमावस्या, और अक्षत का होता है अक्षत। तो हमने जाना कि पंख का पक्ष होता है, पीठ का पृष्ठ होता है, लाज का लज्जा होता है, निडर का निर्दर होता है, पक्षी का पंक्षी होता है, हल्दी का हरिद्रा होता है, कंधा का स्कंद होता है, उसके बाद कबूतर का कपोत होता है, रीस का ईर्ष्या होता है, कपूर का कर्पूर इस तरीके से लिखा जाता है, कोयल का कोकिला होता है, अटारी का अट्टालिका होता है, भवरा का भ्रमर होता है, अमावस का अमावस्या होता है, अक्षत का अक्षत होता है। तो ये हम जाने, अब की बार इसको देखते हैं। ये सब मैंने तद्भव लिखे हैं, इसको हम इसलिए बोल बोल के याद करा रहे हैं, जब आप इसको सुनो या देखो तो आपको याद हो जाए। जैसे मुद्री होता है, मुद्री का होता है मुद्रिका। इसके बाद मनई, मनई का जो तत्सम होता है मानव होता है, चूर्ण का चूर्ण होता है, रात का रात्रि होता है, तीखा का तीक्ष्ण, ससुर का सबसुर, सब इसका सबसुर होता है, आधा का अर्ध होता है, ढीठ का दृष्ट होता है, बाह का व्याघ्र, माँ का मात्र, तीरथ का तीरा, सूरज का सूर्य, आंख का अक्षी, मुंह का मुख, और अपाज का, अपाज का होता है अपाद हस्त। द्वारा देख लेते हैं, मुद्री का मुद्रिका, मने का मानव, चूरन का चूर्ण, रात का रात्रि, तीखा का तीक्ष्ण, ससुर का ससुर, आधा का अर्ध, ढीष्ट का ढीष्ट, बाघ का होता व्याघ्र, माँ का मात्र, तीरथ का तीर्थ, सूरज का सूर्य, आँख का अक्षी, मुंह का मुख, अपाहज का अपादस्त। इनके जो तत्सम होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तत्व भी लिखे हुए हैं। बैन का जो होता है तत्सम वो होता है बचन, बचन का बैन का तत्सम क्या होता है, बचन होता है। गहरा का जो तत्सम होता है वो होता है गंभीर, क्या होता है, गंभीर। मोती का जो होता है मोक्तिक होता है, इस तरीके से लिखा होता है। आग का अग्नि होता है, घोड़ा का घोटक, पलंग का होता है परियक, कपास का होता है कर्पास, अखरोट का तो अक्षोट, टकसाल का होता है टंकसाला, गोबर का गोमय, कंगन का कंकड़, भभूत का विभूति, प्रगट का प्रकट, इस तरीके से लिखा जाता है।
काहना, काहना आज कृष्ण को बोला जाता है। इसका काहना का जो तत्सम होता है, कृष्ण होता है, मौत का मृत्यु होता है, और अकेला का एकल होता है। समझ में आया? अगर ये आपको दिया होगा, इसका तद्भव क्या होगा, बैन, ये तद्भव दिए होंगे, तत्सम क्या होगा, बैन का वचन, गहरा का गंभीर, मोती का मौक्तिक, आग का अग्नि, घोड़ा का घोटक, पलंग का पर्यक, कपास का कृपास, अखरोट का अक्षोट, टंकसाल का टंकसाला, गोमर का गोबर का गोमय, कंगन का कंगड़, भूभूत का भभूति, प्रकट का प्रकट, काहना का कृष्ण, मौत का मृत्यु, अकेला का एकल। इसके बाद देखते हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, भैंस का जो होता है महीसी होता है, पैर का पाद होता है, घी का धृत होता है, ऊंट का ऊष्ट, किस तरीके से लिखा जाता है, ये इस तरीके से लिखा जाता है ऊंट का। सौत का जो होता है सह पत्नी होता है, अंगीठी का अंगिष्ठी का, बानर का बंदर, गांठ का ग्रंथी, पोतों का पुत्र बहु, पोत्र बहु, गोसाई का जो होता है आपका तसम गोस्वामी होता है, आसमान का आकाश होता है, माथा का मस्तक, मक्खी का मक्षिका, अम्य का अमृत, धुआं का धूम, जिजवान का होता है यजवान, और चक्खा होता है स्वाद। चक्खा क्या होता है, स्वाद। तो ये तत्वों का तत्सम अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में, तो क्या क्या होगा, भैंस का महीसी, पैर का पाद, घी का घृत धृत, ऊंट का ऊष्ट, सौत का सहपत्नी, अंगीठी का अंगष्टिका, बानर का बंदर, गांठ का ग्रंथी, पतोहू का मतलब पोत बहु, गोसाई का गोस्वामी होगा, आसमान का आकाश होगा, माथा का मस्तक, मक्खी का मक्षिका, और अमिया का अमृत होगा, धुआं का धूम होगा, जिजवान का यजवान, चक्खा स्वाद। तो आप इजीली उसमें से पहचान सकते हैं कि इसमें तत्सम कौन सा है। उसके बाद देखते हैं आगे भी इसमें कौन कौन से मुख्य इंपोर्टेंट मुख्य लिखे हुए हैं। जैसे आमचू, अमचूर, अमचूर का क्या होता है, आमचून, इस तरीके से ये लिखा होगा आम चून। अलोना का होता है एलवन, आलस का होता है आलस्य, आलस्य इस तरीके से लिखा जाता है। आमला का आम्रलक, इलायची का होता है एला। उसास, उसास का होता है उच्छ्वास, उच्छ्वास आपको पता है ना, आधा छ और छ। अक्षर का होता है अक्षर, पोखर का पुष्कर, कान का कर्ण, नाक का नक्र, गीध का गिरध, फूल का फुल, ये वाला किसान का कृषक, आम का आम्र, उल्लास का उल्लास होता है, नारियल का नारिकेल, सींग का श्रृंग, ये वाला बहरा का होता है बधिर। ये ध्यान आप कौन कौन से क्या क्या होगा इन तत्वों का तत्सम, अमचूर का आमचून, अलोना का आलम्न, आलस का आलस्य, आंवला का आमलक, इलायची का एला, उच्छ्वास का उच्छ्वास, अक्षर का अक्षर, पोखर का पुष्कर, कान का कर्ण, नाक का नक्र, फूल का फूल, किसान का कृषक, आम का आम्र, उल्लास का उल्लास, नारियल का नारिकेल, उस सींग का श्रृंग, और बहरा का बधिर। उसके बाद बचते हैं ये इनका क्या क्या होगा तत्सम अगर आपसे पूछा जाएगा। फुर्ती का जो होता है, होता है स्फूर्ति, क्या होता है, स्फूर्ति होता है। कुत्ता का कुकुर होता है, कुकुर आप लिखना जानते हो, कु कुर कुकुर। पसीना का जो होता है परसिन होता है, पर सी बिन, इस तरीके से लिखा होता है। ओझा का जो होता है तत्सम उपाध्याय होता है, विवाह का विवाह होता है, परीक्षा का परीक्षा, दाहिना का दक्षिण, श्रावण का श्रावण, भक्त का भगत का भक्त, मक्खी का मक्षिका। सरसों का बहुत पूछा जाता है पेपर में, जो इस तरीके से होता है, ये पै होता है, क्या होता है सरसों का, शर्ष। हीरा का हीरक, सब ज्यादा गो गेहूं का पूछा जाता है, गेहूं का क्या होता है, गोधूम, गो धूम। खंडर का खंडग्रह होता है, देवर का द्यूवर, और भक्त का भक्त होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने लिए हैं सबसे ज्यादा, जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। आज का अध, उछा का उछा, उत्साह, कपूत का कपूत्र, कारज का कार्य, युक्ति का जो होता है उत्सव, वो तत्सम जो होता है वो युक्ति होता है, बहिन का जो होता है भागिनी होता है, बहन का क्या होता है, भागिनी। सुहाग का जो होता है तत्सम सौभाग्य होता है, हड्डी का जो होता है अस्थि होता है, हीय का हृदय, हरा का जो होता है हीरक होता है, हथौड़ा का हस्त, हींग का हिंगू, होठ का ओष्ठ, गवार का जो होता है ग्रामीण होता है, अचरज का आश्चर्य, चौथा का चतुर्थ, और बच्चा का वत्स। एक बार और देख लेते हैं, आज का अध, उछा का उच्छ्वास, उत्साह, कपूत का कपूत्र, कारज का कार्य, जुगति का युक्ति,
बहन का भागिनी, सुहाग का सौभाग्य, हड्डी का अस्थि, हिय का हृदय, हरा का हीरक, हथौड़ा का हस्त, हींग का हींगू, होठ का होष्ट ओष्ट, गवार का ग्रामीण, अचरज का आश्चर्य, चौथा का चतुर्थ और बच्चा का बच्च। तो इस तरीके से आपको ये क्या है, ये तद्भव लिखे हुए हैं जो मैंने बताया क्या है, वो तत्सम है। इसके बाद इसका स्फूर्ति का स्फूर्ति, कुत्ता का कुक्कुर, पसीना का पसीन, ओझा का उपाध्याय, विवाह का विवाह, परीक्षा का परीक्षा, दाहिना का दक्षिण, श्रावण का श्रावण, भगत का भक्त, मक्खी का मक्षिका, सरसों का शशप, हीरा का हीरक, गेहूं का गोधूम, खंडर का खंडग्रह, देवर का देवर, भक्त का भक्त। ये भी देख लेते हैं एक बार, अमचूर्ण का तत्सम क्या होता है, आमचूर्ण, अलोना का आलवन, आलस का आलस्य, आंवला का आंवलक, इलायची का एला, उसास का उच्छ्वास, अक्षर का अक्षर, पोखर का पुष्कर, कान का कर्ण, नाक का नक्र, गीत का ग्रद, फूल का फुल्ल, किसान का कृषक, आम का आम, उल्लास का उल्लास, नारियल का नारिकेल, सींग का श्रृंग और भैरा का बधिर। ये देख लेते हैं इनका क्या होगा, भैंस, ये सब क्या लिखा हुआ है, तद्भव लिखा हुआ है। भैंस का क्या होगा, महिषी होगा, पैर का पाद, घी का ध्रत, ऊंट का उष्ट, सौत का सैपत्नी, अंगीठी का अंगिष्ठिका, बानर का बंदर, गांठ का ग्रंथि, पोतोहू का होगा पोतृबहू, गोशाई का गोस्वामी, आसमान का आकाश, माथा का मस्तक, मक्खी का मक्षिका, अमीय का अमृत, धुआं का धूम, जिजवान का यजवान, चक्खा स्वाद। बहुत ईजी है, आप इजीली पहचान सकते हो एग्जाम में इनको। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, बैन का ये है, बैन का क्या है बताया था मैंने, बचन बताया था, गहरा का गंभीर, उसके बाद मोती का मोक्तिक, आग का अग्नि, घोड़ा का घोटक, पलंग का पर्यक, कपास का कपास, अखरोट का अक्षोट, टकसाल का टकसाला, गोबर का गोमय, कंगन का कंकर, बबूत का विभूति, प्रकट का प्रकट, कान्हा का कृष्ण, मौत का मृत्यु, अकेला का एकल। इसको देखते हैं, मुद्री का मुद्री का मुद्री का होता है, इसका जो तस्म होता है मुद्री का होता है, मने का मानव, चूरण का चूर्ण, रात का रात्रि, तीखा का तीक्ष, ससुर का ससुर, आधा का अध्र, तीट का दृष्ट, बाघ का व्याघ्र, माँ का मातृ, तीर्थ का तीर्थ तीर्थ, सूरज का सूर्य, आँख का अक्षी, मुँह का मुख, अपाहज का अपाधस्त। ये देख लेते हैं, पंख का पक्ष, पीठ का पृष्ठ, लाज का लज्जा, निडर का निर्धर, पक्षी का पंक्षी, हल्दी का हरिद्रा, कंधा का स्कंद, कबूतर का कपोत, रीछ का ईर्ष्या, कपूर का कपूर, कोयल का कोकिला, अटारी का अट्टालिका, भवरा का भरमर, अमावस का अमावस्या, अक्षत का अक्षत। अब ये देखते हैं, मक्खन, मक्खन का जो होता है आपको, तो मक्षी का, इसके बाद करोड़ का कोटि, पीपल का होता है पीपल, पी पा पा ल पीपल, तेल का होता है आपका, तेल पे दो मात्रा हो जाती है तेल, तुरंत का त्वरित, आज का अद, धीरज का धैर्य, खीर का क्षीर, दूध का दूध, दही का दधि, कपड़ा का कपट, खेत का क्षेत्र, भूख का भूभुक्षा, मिट्टी का मृतिका, कोक का कुक्षी, कुक्षी मतलब इस तरीके से कुक्षी। उसके बाद देते हैं इसको, शियार का क्या होता है, शियार का होता है श्रृंगाल, क्या होता है श्रृंगाल होता है, धरती का क्या होता है, धरित्री का होता है धरिती, सुई का सूचिका, डंडा का दंड, पत्थर का प्रस्तर, हाथ का हस्त, कपड़ा का कटपट, पत्ता का पर्ण, अंधेरा का अंधकार, गधा का गद्धर्व। गद्धर्व किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाएगा आपका इसका तत्सम। पिए का प्रिय, नेह का स्नेह, अमूल का अमूल्य, अदरक, अदरक का बहुत पूछा जाता है, जो अदरक का जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है अदरक। उसके बाद आशीष का आशीष। तो ये थे कुछ तत्व तत्सव, इसके बाद और थोड़ी तत्व सब है, क्योंकि मैंने इसलिए आपको याद कराने की कोशिश की, आप चाहो तो इनको वैसे भी याद कर सकते थे, लेकिन एक बार आप इनको देखोगे या और सुनोगे तो और जल्दी आपको याद हो सकते हैं, क्योंकि पेपर ये मुश्किल से 100 या 150 होते हैं और पेपर में 10 या 5 जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए कभी इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही ईजी है, बस एक बार समझ में आ जाने चाहिए। थोड़े से और हैं, और समझ लीजिएगा, तत्व तत्सव बचे हैं। देखिए तत्सव तत्सव ये मैंने तत्व तत्सव जो मैंने लिखाए हैं इसका ये नहीं इसमें से भी आएंगे, लेकिन आप इनको ज़रूर देखें, और इसके साथ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो पृथ्वीनाथ पांडे की हिंदी की बुक है, उसको भी एक बार जरूर पढ़ें। अभी से आपका परीक्षा, अभी से आप ना विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को याद करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की डेट कभी भी आ सकती है, इसलिए ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी होंगी और बहुत ईजी भी हैं। विलोम शब्द आप चाहो तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से याद कर सकते हैं, विलोम का पर्यायवाची भी, गिनती के 50-60 ऐसे पर्यायवाची हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, वो ही पर्याप्त होते हैं। उसके अलावा जो वन वर्ड बचते हैं, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, उसको भी आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक से याद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ याद करने की हैं, वैसे तो तत्व तत्सव भी याद करने के थे, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ तुमको बता दिया जाए जिससे कि आप उसको रिवाइज़ कर लो। तो इसमें से कुछ हैं, आप ध्यान देखिए, जैसे थान,
को स्थान बोला जाता है, और इनके मैं तत्सम बता रहा हूँ आपको, तत्व भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। थोड़ा का स्तोक, दुल्हा का जो होता है दुर्लभ होता है, क्या होता है दुर्लभ, और थोड़ा का क्या हो स्तोक होता है, नीम का निम्ब होता है, नाखून का नख, पतला का होता है परतनू, अजान का होता है अज्ञान, उसका भिखारी का होता है भिक्षाकारी, मछली का मत्स्य, मच्छर का मत्सर, मशान का शमशान, मशान का क्या होता है शमशान होता है, जौ का यव होता है, जेठ का ज्येष्ठ, जामुन का होता है जम्बुल, क्या होता है जम्बुल, यति का जति होता है, झंडा का होता है ध्वज, क्या होता है ध्वज होता है झंडा का होता है, नींद का निंद्रा होता है, जुक्ति का युति, जुक्ति का जो होता है युक्ति होता है, तलवारी का होता तलवार जो होता है उसका होता तरवारी, क्या होता है तरवारी होता है। तो ये मुख्य मुख्य थे जो आपको जरूर जानने चाहिए, इसके अलावा भी कुछ आपको और जानने चाहिए जो कि आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उससे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे वर्तनी के बारे में, जैसे मैंने 50-60 ऐसे वर्ड सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 50-60 में से ही आएगा, लेकिन आपके लिए एक मैंने क्लास के हिसाब से रखा है, जैसे कि आप उसको भी देख लें तो शायद परीक्षा में उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि हर चीज़ को जानना जरूरी होता है, इसलिए मैंने तत्सब को भी पढ़ाने की कोशिश की। और इसके बाद मैं आपको बर्तनी के बारे में कुछ अपने 50-60 ऐसे वर्ड जो सेलेक्ट किए हैं वो दूंगा, जिसको आप रिवाइज जरूर करना। इसी के साथ ही हमारी तत्सब तत्व की क्लास समाप्त होती है, आगे मिलते हैं आपको नया क्लास लेके हिंदी का बर्तनी।